हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है विभेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। 5 मौसमों का बाग मेरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। चलिए विश्व विरासत स्थल के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद है ली कार्बूजिए के वास्तुशिल्पकार यानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसे 2016 में। कालका शिमला रेल 1999 में। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में, ठीक है। इसके बाद लाल किला परिसर 2007, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993, कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली 1993, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985। इसके बाद जंतर मंतर और राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं और इनको भी विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया और इन्हें 2013 में शामिल किया गया था। इसके बाद है जंतर मंतर 2010 में, ठीक है। और इसके बाद जो जयपुर है इसे भी विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया है। फतेहपुर सिकरी, ठीक है, खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं इनको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सांची बौद्ध स्मारक, भीमबेटका पाषाण आश्रय, ठीक है, महाबोधि मंदिर परिसर जो बोधगया में है, नालंदा महाविहार और कंचनजंगा नेशनल पार्क, पर्वतीय रेल, ये सभी जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। इसके बाद जो है मानस वन्य जीव अभयारण्य, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी 1985 में शामिल हुआ था। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में और कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984। इसके बाद अजंता की गुफाएं, ठीक है, 1983 में। एलोरा की गुफाएं 1983 में और एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पडक्कल में स्मारकों का जो समूह है इसे भी 1987 में राष्ट्रीय विरासत स्थल में सूची में जो है शामिल किया गया था। इसके बाद है हम्पी में स्मारकों का जो समूह है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेम्बल्स, इसे 2018 में शामिल किया गया था। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल जो 2004 में शामिल हुआ था। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, इसके बाद पश्चिमी घाट, ठीक है, और आगे क्या है महाबलीपुरम स्मारकों का जो समूह इसे जो है 1984 ईस्वी में। गंगई कोण चोलपुरम जो है इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है दासुरम तंजावुर महान चोल मंदिर 1987 में। ऊटी में जो है नीलगिरी पर्वतीय रेल जो है 1999 में इसे शामिल किया गया था। तो बाकी जो है इसे एक बार खुद से जो है आप एनालिसिस कर लीजिएगा ताकि जो हमसे छूट गया हो आप कवर कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करवाने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों को सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। 2017 के गणना के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है। नालामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखिए जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, इसके बाद चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
हरि के आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, जबकि केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलोरी जो कोलोरु झील है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ के खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चिनार वन्य जीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु का पंछी विहार वेदांग थंगल और कारीकिली में अवस्थित है। कारीकिली चेन्नई से जो है 86 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। पहला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, याद रखिएगा। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए और पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों को सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। 2017 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 है। प्रश्न संख्या सेकंड है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो सही जवाब है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं और यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या अच्छा नल्ला जो नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में है ये स्थित है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद प्रश्न संख्या थर्ड है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया 2016 में? तो याद रखिएगा 2016 में यूनेस्को ने जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो सही जवाब है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, इसे खोंगचेंग जोंगा भी कहते हैं। जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या चार है, पांच मौसमों का बाग स्थित है मेहरौली के समीप। पांच मौसमों का बाग मेहरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में जो है स्थापित किया गया था। और प्रश्न संख्या फाइव है, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कंटीले वनों, अनुप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में है और उनके प्रमुख आवास जो है नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की संख्या जो है उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले और वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिण बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूरा में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। और इस उदाहरण में वर्णित प्राणी एक्स जो है कौन है? तो आपको मालूम है एक्स जो है वह है आपका एशियाई, क्या है याद रखिएगा, जो एक्स है वो एशियाई हाथी के संबंध में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या सिक्स जो है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किससे प्राप्त करता है? जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या सात है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा पहला, यानी ए ऑप्शन। इसमें जो हरि के आर्द्र भूमि है ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। हरि के आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर जो है स्थित है।
याद रखिएगा, हर के आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, जबकि केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भीतियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है, बताइए। ऑप्शन ए सुंदरवन क्षेत्र में, ऑप्शन बी चिल्का झील में, ऑप्शन सी कच्छ के खाड़ी में। तो सही जवाब होगा कच्छ के खाड़ी में। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ के खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, चिनार वन जीव विहार कहां पर अवस्थित है? चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है केरल में। देखिए, चिनार वन्य जीव विहार जो है केरल राज्य में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, तमिलनाडु का पंछी विहार अवस्थित है? तमिलनाडु का पंछी विहार अवस्थित है कारिकिली में, याद रखिए कारिकिली। तमिलनाडु का पंछी विहार वेदांगल, थंगल और कारिकिली में अवस्थित है। कारिकिली जो है चेन्नई से 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहां पर? तो क्यू इंग्लैंड में। देखिए, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटेनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल PDF अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।